हाय गाइस, बहुत रैंडम ये वीडियो स्टार्ट हो रही है और मैं बोल रही हूँ यार ऑडियो डाली वाले पीछे से। आज हमारा सडनली प्लान बना सरोजनी जाने का। इट्स संडे मॉर्निंग, आग लगी पड़ी है, बट स्टिल विल ट्राई कि कुछ दिख जाए। मैंने सुना है सरोजनी में आजकल कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ मतलब हट चुका है, बहुत महंगा महंगा सामान मिल रहा है। सो जरा देख के आते हैं। 7 मंथ्स बाद मैं सरोजनी जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। सन प्रोटेक्शन प्रो मैक्स मैंने भर भर के सनस्क्रीन लगाई है, बकेट हैट सब कुछ डन, फुसली से कपड़े पहने हैं बिकॉज सन से बचना ज़रूरी है। सो लेट्स गो यार, मेट्रो हमारी आने वाली है, आई एम वेटिंग फॉर अनदर फ्रेंड ऑफ माइन एंड फिर हम चलेंगे सरोजनी। तो जस्ट इन केस आपको नहीं पता, सरोजनी नगर जाने के लिए आपको पिंक लाइन लेनी पड़ती है जो काफ़ी डायरेक्ट पड़ती है। अदरवाइज आप INA के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको ऑटो लेना पड़ेगा वहाँ जाकर। सरोजनी जो ये पिंक लाइन पर है, ये डायरेक्टली आपको मार्केट पर ही उतारती है। सो वी ऑलवेज प्रेफर पिंक लाइन। एंड मंडे को मार्केट वैसे कहते हैं बंद होती है, सो आप मंडे अवॉइड कर सकते हो और बाकी दिन आप इजिली कभी भी जा सकते हो। एंड संडे जाना वॉज अ मिस्टेक। यू कैन सी मेट्रो पर उतरते ही काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब अर्ली मॉर्निंग भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एंड वन थिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज, यहाँ पर रोक रहे थे और सबके हैंड्स में नंबर लिख के डिटेल्स ले रहे थे, कोई भी तरह का इन्होंने टेस्ट नहीं लिया था। नेक्स्ट डे हमें मैसेज आया कि आपका RT-PCR ले लिया गया है। सो ये मुझे थोड़ा सा स्कैम लगा, टेस्ट हमारा कोई हुआ नहीं था। वैसे मार्केट में एंटर करती है आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। ये बेसिकली जो मार्केट है ना, ये ओ शेप में है, एक पूरा बाहर का सर्कल है और एक अंदर की एक सिंगल लेन होती है, और अंदर की जो सिंगल लेन होती है वो सबसे बढ़िया होती है। लेकिन ये बाहर जो ओ शेप में जितनी मार्केट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे एथनिक वेयर की शॉप्स भी मिलेंगी, जो ट्रैक पैंट्स, पजामा, निकर, नाइट सूट। इस बार मैंने बहुत अच्छे ट्रेंड्स देखे सरोजनी नगर में, विच इज टाई एंड डाई। भर भर के आपको टाई एंड डाई एंड रिब्ड वाले टॉप्स मिल रहे थे। सो अगर आप भी ऑनलाइन टाई एंड डाई देख रहे हो, आपको महंगा मिल रहा है, गो टू सरोजनी, आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। ये शॉप पर बहुत अच्छी ट्राउजर जीन्स भी अवेलेबल थी। एज आई सेड, अब वो सरोजनी सरोजनी रहा। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पूछा था कि छोटा सा देखना है टूर या फिर नहीं देखना, बिकॉज रश था तो मैंने स्टिल कोशिश करी छोटे छोटे ग्लिम्स लेने की। अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारे इन्होंने अब फिक्स प्राइस की शॉप लगा दी है, जहाँ पे 150, 100, 200 आप बार्गेन नहीं कर सकते। ये अग्रवाल गुड्स करके मैंने पीछे शॉप में बताया था, आप देख सकते हो, वहां पर हम गए। यहाँ पर बहुत अच्छी टीज थी, सो आप अगर नाइट वेयर में कुछ देख रहे हो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। 200 रुपीज में बहुत अच्छी टी मिल रही थी, टॉप्स थे, मैंने भी एक रिब मटेरियल का टॉप लिया था। यू कैन सी ऐसे टाई एंड डाई के टॉप आपको 200 रुपीज के मिल रहे थे, एंड दीज आर ऑल फ्रेश। ये वो एक्सपोर्ट वाले या फिर पुराना टाइप का स्टफ नहीं है जो लोग समझते हैं सरोजनी मिलता है, ये सारा फ्रेश था। इसी शॉप के ऊपर ये बैग्स की शॉप थी, एंड ओ माई गॉड इतना ज्यादा रश था ना यहाँ पे, मतलब मुझे भी डर लग रहा था कोविड के टाइम पे हम कहाँ ही आ गए हैं। इनका लिटरली सारे डिजाइनर बैग्स के ड्यूप थे, मैंने कोशिश करी वीडियो बनाने की लेकिन काफी रश था। इस शॉप से मैंने एक बैग शॉप किया जो आपको आगे हॉल में दिख जाएगा। सो यहां से हम एंटर करते हैं मेन मार्केट के अंदर वाले लेन के अंदर, एंड यहां पे डिसअपॉइंटमेंट मेरी शुरू हो गई बिकॉज ग्रफिटी लेन पूरी बंद थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइडेड की टीज मिल रही है, जो H&M की होती है ना, ये यहाँ पर बहुत ईजिली मिल रही थी। सो इसके बाद जब आप एंटर करते हो, रिब मटेरियल के टॉप्स आप देख सकते हो, भरमार थी। मैं तो कहती हूँ ज़ारा H&M के रिब्ड वाले टॉप्स मत लेना, आपको सारे सरोजनी मिल रहे हैं। एंड हेयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, ग्रफिटी लेन बंद हो चुकी है। दोनों साइड की जो ग्रफिटी लेन थी वो उन्होंने हटा दिया, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब लोग बैठते हैं ना अपना सामान लेके, कंजेशन हो जाता है, भीड़ हो जाती है। सो कोविड की वजह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हटा दिए थे। वी ऑल्सो सॉ दीज पेंडेंट्स, दो मेरी फ्रेंड ने भी लिए हैं जो मैं आपको शो करने वाली हूँ। मैंने अभी नहीं लिए बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे रखे थे, आई जस्ट आस्क हर एक दो महीने बाद उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर मैं लूँगी। एक मेरी फ्रेंड ने ये वाला लिया है, एक और उसने लेयर्ड वाला लिया था। ये आपको 100-150 के बार्गेन पे ईजिली मिल जाएंगे, काफ़ी क्यूट इनके पास स्टफ़ था। एंड ये बिक्सी के ऑपोजिट एक शॉप है जो बहुत अच्छे बैग्स रख रही थी, इनके पास भी 350, 250, 300 इस मटेरियल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बैग्स मिल रहे थे, विच इज़ लाइक वेरी गुड। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, आपका बजट कम है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लिटरली इनके पास सारे कलर्स के बैग ईजिली अवेलेबल थे, अगेन ड्यूप्स ऑफ वेरी नाइस हाई एंड बैग्स एज वेल। सो बिक्सी के ऑपोजिट एक ये नाइट वेयर वाले भैया बैठते हैं, साटन के नाइट सूट रखते हैं, और यहाँ से एक लेन अंदर जाती है जो एक हिडन सॉर्ट ऑफ लेन है, एंड दिस इज पिलो हेवन। अगर आप होम डेकोर करने वाले हो, स्टूडियो सेटअप करने वाले, दिस शॉप इज अ मस्ट विजिट। यहाँ पे आपको लिटरली इतने अच्छे प्रिंट्स के पिलो कवर मिलेंगे। मेरा मन था ईवल आई का लेने का, मैं सोच के आई थी ईवल आई वाला ढूंढूंगी, लेकिन मुझे नहीं मिला, मैं थकार के ऑनलाइन ही लूंगी। आई थॉट यहाँ पे मिल जाएगा, बट इनके पास प्रिंट फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, वैरायटी टेक्स्ट वाले जो होते हैं, डिजाइन वाले। विद पिलो आपको 100, 150, 200 ऐसे अबव प्राइस, डिपेंडिंग ऑन द साइज, उस हिसाब से देते हैं। एंड यू कैन सी मार्केट में अब वो चाम नहीं रहा, बिकॉज सारे जो भी बाहर बैठते थे ना स्टॉल्स, उन्होंने सब हटा दिए हैं, अगेन कंजेशन की वजह से। एंड मार्केट काफ़ी ब्रॉड भी हो गई है, आप देख सकते हो, संडे मॉर्निंग रश था लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही, बिकॉज बाहर के सारे स्टॉल्स हट गए, रोड काफ़ी वाइड हो गई, तो ईजिली शॉप कर सकते थे। और अब सिर्फ बची हैं ऐसी शॉप्स और स्टैंड जो फिक्स प्राइस पे हैं, 80, 100, 150, 200, 300। तो अब तो सरोजनी में ना बार्गेन का स्कोप रहा ही नहीं, बिकॉज सब कुछ उन्होंने ऐसे फिक्स प्राइस पे लगा दिया। अगेन टाई एंड डाई की टीज, टेक्स्ट
टीज, ये रिब्ड मटेरियल की टीज, यू कैन सी फॉरएवर 21 का ओरिजिनल पीस लगा हुआ है। ये रिब्ड मटेरियल के टॉप्स भी भरमार थी, सो आप डेफिनेटली सरोजनी से ले सकते हो। मोर ट्रेंड्स आर लाइक समर की ड्रेसेस देन दीज ट्राउजर पैंट्स, आजकल मल्टी कलर्ड की ट्राउजर्स चल रही हैं, अलग अलग कलर की वाइब्रेंट ट्राउजर्स, वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। यू कैन डेफिनेटली शॉप सच टाई एंड डाई पीसेज, नाइट सूट्स एज वेल। ये टॉप हमें एक स्टॉल पर दिखा, लिटरली मेरी फ्रेंड ने 2-3 वीक पहले मॉल से 700-800 का लिया और इनके पास फ्लैट 200 रुपीज का मिल रहा है। सो काफ़ी बार ऐसा दुख भी हो जाता है कि यार ब्रांड में ले ली और वही चीज़ सरोजनी में हाफ रेट पे, हाफ से भी कम रेट पे मिल रही है। एंड के पास वैरायटी भी थी, यू कैन सी इसमें रेड और भी कलर्स थे। और ये स्ट्रेचेबल होता ना तो फ्री साइज सॉर्ट ऑफ होता है। ऐसे रेड मटेरियल के हम पोलो सॉर्ट ऑफ टीज भी देख रहे थे, मुझे एक पसंद आई लेकिन उसमें साइज थोड़ा अजीब था। इसकी जो स्लीव थी वो काफ़ी ढीली थी और रेड मटेरियल में अगर फिटिंग नहीं आती ना तो पूरा टॉप की लुक खराब हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं ली। इन टॉप्स के साथ यही दिक्कत है बिकॉज ये थोड़े से ढीले ढाले होते हैं इधर उधर से। एंड मेरा एक और मन था चीज़ लेने का, विच इज़ डेनिम। मुझे मिडी लेंथ की जो डेनिम्स होती है ना वो लेनी थी, डेनिम स्कर्ट बेसिकली। मैंने इतने स्टॉल्स पे देखी लेकिन मुझे कहीं पसंद नहीं आई। सो ये पूर्णिमा स्टोर्स के ऑपोजिट एक स्टॉल था जो फ्लैट 250 रुपीज़ में ड्रेसेस दे रहा था। एंड ट्रस्ट यू, मैंने सेम ड्रेस मीशो से आई थिंक 500 या फिर 600 समथिंग की ली है और ये ड्रेस मुझे यहाँ पे फ्लैट 250 रुपीज़ की मिल रही थी। मैंने यहाँ पे भी एक दो डिजाइन देखे, डिट्टो मीशो वाली ड्रेस भी यहाँ पे मिल रही थी। कॉटन की ड्रेसेस आजकल काफ़ी चल रही हैं, सो ये मैं सोची थी लूँ या ना लूँ। फिश पॉइंट के साथ में एक और शॉप है, एक रिदम ट्रेडर्स करके, इनके बैग्स बहुत सही होते हैं। इनफैक्ट इनके बैग्स की कलेक्शन मुझे काफ़ी क्लासी लगी, काफ़ी डिफरेंट लगी। सो अगर आप थोड़ा सा क्लासी और डिफरेंट बैग्स देखना चाहते हो ना, आप ये वाली शॉप ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। ये फिश पॉइंट के साथ है। फिश पॉइंट के ऑपोजिट एक फेमस ज्वेलरी वाले भैया भी हैं जो एथनिक झुमकी रखते हैं। इस बार मेरा मन नहीं था ज्वेलरी लेने का तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी ट्रस्ट में, इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप शूट भी नहीं कर पाई। एक तो भीड़ होती है, ऊपर से गर्मी इतनी थी ना, मतलब अभी पीक समर में तो मैं बोलूँगी अवॉइड ही करो। सो ये एब्रॉल सन, यहाँ पे एक लेन आके हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एब्रॉल सन के ऑपोजिट ये जो पूरा एक अंदर जाके स्टॉल्स है ना बहुत सारे यहाँ, तो प्लीज़ जाना बिकॉज इनकी कलेक्शन काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं वो एक्सपोर्ट मटेरियल के जो बाहर के ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना, इस साइड आपको एथनिक मिलता है, तो जितनी भी इंडियन कुर्तीज एंड ऑल होती है वो आपको इस साइड मिल जाती है। और इसके ऑपोजिट साइड आपको ड्रेसेस मिलती है। हमने लिटरली एक लेबल ऋतु कुमार की ड्रेस देखी, विच इज़ आई एम नॉट श्योर ओरिजिनल है या नहीं है। इनके पास काफ़ी अच्छी ड्रेसेस होती हैं। अगर आप गोवा बीची लाइक कहीं जाने वाले हो ना प्लेस पे, अगर आप अच्छी कॉटन की ड्रेसेस देख रहे हो प्लीज़ जाना। सो ये वाली ड्रेस थी, इस पर लेबल भी बना हुआ था ऋतु कुमार का, नॉट रियली श्योर ओरिजिनल है नहीं है, बिकॉज मैंने आजियो पर एक मूजी करके ब्रांड की डिट्टो आजी ऐसी ड्रेस देखी है। सो आई एम नॉट रियली श्योर ये लेबल ओरिजिनल है या फिर वो वाली कॉपी है नहीं है। ये 600 की बोल रहे थे, 1600 की बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली हमने नहीं लिया। सरोजनी से 1600 रुपये की कौन लेता है। ये शॉप पर ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छी थी, आपको ऐसी रिड मटेरियल की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। सो ओवरऑल अगर आप रिड मटेरियल के टॉप्स और ड्रेसेस देना चाहते हो ना, आई वुड से गो टू सरोजनी बिकॉज ये लिटरली आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो रहा था गर्मी में। वी टुक अ शॉर्ट फूड ब्रेक, ये बाहर आते आते हमें एक और शॉप मिली, अगेन फिक्स प्राइस। मैंने बोला ना वो सरोजनी में चाम नहीं रहा, इन्होंने सब ने फिक्स प्राइस कर दिया है 190, 150, 200। अब आपको वैरायटी देखने को इतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं। ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया स्कर्ट्स ढूंढने का कि मुझे एक डेनिम स्कर्ट मिल जाए, लेकिन किसी की वेस्ट टाइट थी, कोई बहुत ज़्यादा रिप थी, सो मुझे डेनिम स्कर्ट नहीं मिली। ओवरऑल काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट लेट्स सी क्या लिया। The next day. And I'm back home to my shooting setup. ये रहा थोड़ा सा सामान जो मैंने शॉप किया है, इसको जरा साइड पर रख देते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं बिकॉज ये चीज मैं डील कर रही हूँ और मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सो आजकल आप सबको पता होगा मुझे काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, थैंक्स टू ऑल द मैंगोज, मीठा, ट्रिपर, जो भी हमने भर भर के चीनी वाली चाय ली है उससे मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली जब ट्रिप से वापस आए, मैंने तो विंडो खोल खोल के वो पहाड़ों की हवा लिया, उसमें डस्ट भी आ गई थी, मेरी पूरी स्किन में पोर क्लॉगिंग हो गई थी, डेड स्किन सेल बिल्डअप बहुत ज्यादा हो गया था। और जब ये सिचुएशन होती है ना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चलो पार्लर चले जाते हैं, क्लीन अप करवा लेते हैं, और उसके अंदर वो भर भर के स्क्रब्स यूज करते हैं, रगड़ रगड़ के आपके स्किन पर स्क्रब्स लगाते हैं। मुझे पर्सनली वो सूट नहीं करता, मैं कभी भी फिजिकल एक्सफोलिएशन नहीं यूज करती, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ना मैं अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करती हूँ, स्पेसिफिकली अगर आपकी एक्ने स्किन हो। सो अब बात आती है केमिकल एक्सफोलिएशन की, तो उसके अंदर काफी लड़कियां पूछती हैं कि हमें कुछ सजेस्ट करो, हम बिगिनर्स हैं, हम ऐसी कौन सा चीज यूज कर सकते हैं जो केमिकली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करे। सो आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, वो है ये डॉक्टर शहद का एक्स्ट्रा जेंटल पील। मैं इसको काफी टाइम से टेस्ट कर रही हूं, मैं पूरा इसका रिव्यू देख सकती हूं बिकॉज आई पर्सनली लाइक इट। अभी जैसे मेरी सिचुएशन है ना, एक्ने ब्रेकआउट्स भी है, तो मैं इस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम हार्श वाला पील भी नहीं यूज करना चाहती। सो इस पॉइंट के लिए मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है, और इसलिए मैं आप सबको भी ये सजेस्ट कर रही हूं। डॉक्टर शहद, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, इट इज एन इंडियन ब्रांड, ये बेसिकली इंडियन स्किन के लिए बनी है। दे हैव मोर देन 90 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डर्मेटोलॉजी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी डॉक्टर शहद के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैं पर्सनली इनके 2-3 प्रोडक्ट्स पहले ट्राई कर
चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज में रिकमेंड भी किए हैं। सो अब इन्होंने अपने पील्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर अलग अलग लेवल है और ये इनका एक्स्ट्रा जेंटल पील है जो एकदम बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स, इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले है इसके अंदर 5% लैक्टिक एसिड, फिर है इसके अंदर 5% ग्लाइकोलिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, ये दोनों AHA फैमिली के एसिड है, तो ये बहुत अच्छे से आपकी जो ऊपर स्किन के ऊपर जो डस्ट होती है, डर्ट होती है, जो पोर क्लॉगिंग होती है, उसको ब्यूटिफुली हटाता है। इनफैक्ट जो भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्कारिंग होती है, जो एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं, उसको भी हेल्प करता है कि वो जल्दी इंप्रूव हो, बिकॉज ये स्किन सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाता है। और 5% की जो क्वांटिटी है ना, वो एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल जेंटल है, या बिगिनर्स को भी स्किन पर हार्श नहीं फील होगी। इसके अलावा इसके अंदर पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है जो अगेन आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, उस पर एक कहीं ना कहीं निखार लेके आता है। एंड इसके अंदर कैंडेला एक्सट्रैक्ट भी है जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को काम डाउन करता है। इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, इसका टेक्सचर काफी सही है, एकदम वाइट मिल्की जैसा इसका टेक्सचर है। सो दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक। सो काफी वाइट वाइट आप देख सकते हो, एकदम मिल्की जैसा इसका टेक्सचर है। ये वो रेगुलर रेड वाली पील नहीं है, जो रेड कलर की पील आती है ना, ये वैसी नहीं है, ये एकदम मिल्की जैसा टेक्सचर है। यू कैन यूज इट इन 3 ways। सबसे पहले इन्होंने लिखा है एज एन ओवरनाइट मास्क, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हल्की सी पतली लेयर लगाए, बहुत पतली लगानी है, ज्यादा थिक लेयर नहीं लगानी, और उसको ड्राई होने दो और छोड़ दो। आप रात को लगा के इसको सो सकते हो। ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनकी बिल्कुल सेंसिटिव स्किन नहीं है, जिसकी स्किन हल्की फुल्की केमिकल एक्सफोलिएशन झेल सकती है, उनके लिए काफी अच्छा है, बिकॉज ये ओवरनाइट और अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव और एक्ने स्किन है, आपको स्टिल केमिकल पील यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इसको एज अ मास्क यूज करोगे। इन्होंने लिखा हुआ है क्लेंस, अप्लाई थिक लेयर, लीव ऑन फॉर 5 to 10 minutes। मैंने यही किया था। सबसे पहले आपको अच्छे से अपना मेकअप हटाना है, मेक श्योर आपके स्किन पे कोई भी मेकअप ना हो, आपकी स्किन क्लेंस्ड हो एकदम। सो मैं डबल क्लेंजिंग करके मेकअप को सारा हटा लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई होने देती हूँ। इसको वेट स्किन पर मत लगाना, अच्छे से अपने फेस को ड्राई होने दो, और जब एकदम आपका फेस सूख जाता है, आपको थोड़ा सा लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इतनी पतली सी लेयर लेके आपको फेस से पूरा लगाना है। 5 to 10 minutes के लिए आप इसको रख सकते हो, एंड देन वॉश इट ऑफ। मैं कॉटन पैड से लेके इसको रिमूव करके सिंपल पानी से धोना है, कोई फेस वॉश इसके बाद नहीं यूज करना, पानी से धो के मैंने उसको सारा रिमूव कर लिया। एंड देन यू कैन गो एट विद योर नाइट टाइम स्किन केयर रिजीम। इसको मैं इस तरीके से लगाती हूँ एंड द ग्लो इज रियल। मैंने जब ट्रिप से आके इसको यूज किया था ना, मैंने खुद फेस किया था कितना इसने अच्छे से उसको एक्सफोलिएट कर दिया था। इसके बाद क्या यूज करना प्रेफर करती हूँ, ये मैंने जस्ट अभी अपने मंथली फेवरेट में भी फीचर किया है, आई लव दिस प्रोडक्ट। ये भी है डॉक्टर शेद का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क, मेरा फेवरेट है। इनफैक्ट कभी मैं कोई केमिकल एक्सफोलिएशन करती हूँ ना, मैं उसके बाद ये यूज करना प्रेफर करती हूँ। ये बहुत अच्छा जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो जेंटल है स्किन पर, बहुत अच्छे से एक जेंटल सूदिंग फील होता है, और ऐसे केमिकल पील्स के बाद तो ये और अच्छा है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, सेरामाइड है, स्कोलेन है, बहुत अच्छे से नरिश करता है, एट द सेम टाइम स्किन को सूद करने में भी हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरा फेवरेट है। बट फिर भी ऑन द सेफ साइड आई वुड से थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना, जस्ट इन केस आपको पता चल जाए कि ये चीज आपको एक्जैक्टली सूट कर रही है नहीं कर रही। दैट इज हाउ आई यूज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फॉर अ नाइस एट होम केमिकल एक्सफोलिएशन थिंग। मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, घर में जेंटली हो जाता है और इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देता है। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर आपकी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, आई वुड से ऐसे पील के साथ स्टार्ट करो। मेक श्योर आप नेक्स्ट डे SPF लगाकर जाओ। इन सबको यूज करने के बाद आपको SPF यूज करनी ही चाहिए। टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी, यू कैन बाई दीज फ्रॉम डॉक्टर शेड्स ऑफिशियल वेबसाइट। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, और मेरा कूपन कोड भी इसके ऊपर लगेगा, विच इज Kashika20। ये अभी तक एफिलिएट कोड नहीं है, मुझे इससे कोई मार्जिन नहीं मिल रहा, इट इज अ कोड गिवन बाय द ब्रांड। इससे आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी अवेल कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी सारी जो भी डिटेल्स होंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज चेक कर लेना। एंड दैट इज इट अबाउट दी। लेट्स स्टार्ट विद अ टाइनी सरोजिनी नगर हॉल। ट्रस्ट मी, मैं इस बार इसी मोटिव से गई थी कि मैं कुछ नहीं लूंगी, बिकॉज यार बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, और फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती, बट यार सरोजिनी नगर जाओ और कुछ ना लेके आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक दो चीजें पिकअप करी है। सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हो मार्केट में, मैंने आपको इससे पहले दिखाई भी होगा, मार्केट में मेट्रो की साइड से आप घुसते हो, स्टार्टिंग में एक शॉप आई थी जो बहुत सारे बैग सेल कर रही थी। इनफैक्ट उनके बहुत सारे बैग्स बाहर लगे हुए थे, बट दे वर फोर्सिंग कि ऊपर जाओ, प्लीज ऊपर जाकर देखो। और ऊपर जाके जो भीड़ लगी हुई थी, मतलब अभी कोविड की सिचुएशन के हिसाब से मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ उस टाइम कि क्या यार हम इतने क्राउड में क्यों आ गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन उनके पास बैग्स काफी सस्ते थे और मुझे वो रेगुलर वाले बैग्स नहीं चाहिए थे, बिकॉज सब पे ब्रांडिंग लगी होती है। मैं ऐसे बैग्स नहीं लेती जिसपे सब्यसाची, ज़ारा लिखा होता है, गुची, शनेल, पता नहीं किस किस के लोगो बने होते हैं। या तो मैं असली पहनूंगी या फिर मैं नहीं पहनूंगी, मुझे वो लोगो वाले बैग्स नहीं पसंद।
मुझे ये वाला बैग दिखा जो मुझे काफी टाइम से चाहिए था। इनफैक्ट इस बार ट्रिप पर जाते हुए मुझे फील हुआ कि ऐसा बैग होता ना तो कंफर्टेबल रहता। सो ये बेसिकली बम बैग, इसको यही बोलते हैं ना, बेल्ट बैग या बम बैग बोलते हैं, कुछ इस तरह से। मैंने बिल्कुल अभी शॉर्ट पर रखा हुआ है, इसको आप यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो ये ऐसे करके कमर पे भी आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाती हूँ सो दैट यू कैन सी इन द स्क्रीन एज वेल। सो ऐसे कमर पे भी आ जाता है और इसको आप क्रॉस करके ऐसे भी बांध सकते हो। तो अगर आप इन ट्रिप पे जा रहे हो, इधर घूमने फिरने जा रहे हो, काफी कूल लगता है। इस पर कोई भी तरह की ब्रांडिंग नहीं है, विच आई लाइक। ये बोल रहे थे, पता नहीं क्या उन्होंने बोला, ये कैनवस लेदर, या ही सेड ये कैनवस लेदर है तो इसकी स्किन नहीं निकलेगी। मैंने भैया से दो तीन बार पूछा था, नहीं निकलेगी ना भैया, बिकॉज ऐसे सस्ते बैग ले लो तो स्किन बहुत जल्दी निकल जाती है। बट ही वॉज लाइक नहीं निकलेगी। मैंने उस टाइम फोन भी डाल के देखा था, लिटरली इतना स्पेशियस है। मेरा फोन, कैमरा भी आ सकता है इसके अंदर, लिपस्टिक, जो भी मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। ये मुझे मिला है 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए में बैग मिला है। इसमें कलर्स भी थे, ब्लैक था, डार्क कलर था, लाइट कलर था। मुझे ये वाला कलर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा। जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, वेरी स्मूथ जिप, सो आई रियली लाइक्ड इट। उसी शॉप पे नीचे एक और अलग शॉप थी, मतलब उन्हीं शॉप के नीचे एक प्रॉपर एक शॉप बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे टॉप, टीज, टाई एंड डाई के सेट, नाइट वेयर, निक्कर, घर की पजामे, सब कुछ मिल रहा था। मेरी फ्रेंड्स ने भी काफी सारे घर के शॉर्ट्स लिए हैं, टी शर्ट्स लिए हैं, टाई एंड डाई की शर्ट्स लिए हैं, जो आपने प्रीवियस अभी देख लिया होगा वीडियो में जब वो खरीद रही थी। उसमें से मैंने पिक की ये वाली टी, जो मुझे बहुत क्यूट लगी। ये ऐसे रिब्ड मटेरियल सॉर्ट ऑफ की है और इसमें से स्टार स्टार बने हुए हैं, कुछ कुछ फिल्ड है, कुछ कुछ खाली है। सो सो कंफर्टेबल, मतलब मुझे एकदम परफेक्ट के साइज का है। इसकी स्लीव्स मुझे काफी सही आई है, आई लव्ड इट। इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है। मैंने अभी जो जीन्स पहनी है ना, जारा की मैंने जीन्स पहनी है, और ये थोड़ी सी लो वेस्ट है जीन्स, हाई वेस्ट नहीं है। आप देख सकते हो मेरा पेट इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये प्रॉपर लेंथ में मुझे आ रही है। मेरी हाइट शॉर्ट है, अराउंड 5'1" के अराउंड, तो मुझे इसकी लेंथ काफी सही आई है, आई रियली लाइक इट। मुझे पहले इसको देख के लग रहा था यार इसमें गर्मी, ठंड गर्मी लगेगी, बिकॉज ये वैसा मोटा वाला मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा इसका ब्रीदेबल मटेरियल है, तो अगर मूवीज वगैरह देखने जाना होता ना, जब थोड़ी सी ठंड लगती है, तो ये टॉप एकदम परफेक्ट है। अगेन ये मुझे पड़ा है 200 रुपए। वहां नीचे जितने भी टॉप थे वो फ्लैट 200 में थे। आई टोल्ड यू स्टार्टिंग, मैंने यही बोला ना, सरोजनी बदल चुका है यार, अब सबने वो फिक्स प्राइस वाला टैग लगा दिया है, 200, 300, 400, और आप बार्गेन नहीं कर सकते। वो सीधा मना कर देते हैं कि दे दो, मत लो, नहीं लेना तो मत लो, बिकॉज अब वो बार्गेनिंग वाला सीन जा चुका है। सो ये भी फिक्स प्राइस 200 में था, सो 200 रुपीज। सेकंड, सर बिल्कुल बाहर निकलते हैं, मतलब जब हम पूरा चक्कर काट के बाहर निकल गए थे, मैं एक शॉप पे अंदर गई, रैंडम सी कोई शॉप थी, मुझे नहीं याद आ रहा। मुझे दिखा ये टॉप, ये मैंने काफी स्टॉल्स पे देखे थे, मतलब एक दो स्टॉल में मैंने ये देखा था टॉप। ये दिखता है कुछ इस तरह से, इसके लेबल पे लिखा हुआ है जारा मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है जारा मैन एल, और टैग पे लिखा हुआ है जारा बेसिक, विच इज ऑब्वियसली लोकल, ये लोकल टैग है, जारा का पीस नहीं है, टैग भी नकली है। बट ये प्रॉपर फ्रेश पीस है, जो मैं कह सकती हूँ, जो प्रॉपर फैक्ट्री मेड इंडिया के पीसेस होते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। कॉटन मटेरियल का, ये प्रॉपर कॉटन मटेरियल का है, सो अगर आप पॉलिएस्टर सिंथेटिक नहीं पहन पाते, ऐसे टॉप एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलती है, तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से। हल्का सा ये क्रॉप्ड है, आप देख सकते हो लेंथ कैसी आ रही है मेरे ऊपर, हल्की सी मेरी वेस्ट विजिबल है। नीचे यहाँ पे नॉट दी हुई है, सो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे नॉट बांध सकते हो। वेरी वेरी क्यूट यार, इट लुक्स वेरी क्यूट। मैंने इसे रैंडमली ले लिया था, वो भैया ने पहले 350 बोला, तो मैंने कहा नहीं, मेरा ना इस बार लेने का ही मन नहीं था, तो मैंने वो एकदम प्रॉपर वाली बार्गेन भी नहीं करी, ठीक है नहीं देना तो चलो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। बट देन ही वाज लाइक, मैंने 200 बोला था स्टार्टिंग में, फिर वो एंड में खुद ही 200 पे आ गए थे। सो ये मुझे मिला है 200 रुपीज का। चलो एक टॉप पे तो मैंने बार्गेन कर लिया, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सरोजनी जाके मैंने बार्गेन कर लिया। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, जिस स्टैंड से मैंने ये लिया, पूर्णिमा स्टोर्स करके, मतलब बिक्सी के थोड़ा सा और आगे जाके लेफ्ट में एक स्टॉल था, जहाँ पर ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस टंगी हुई थी, और मैंने सिमिलर ऐसी ड्रेस ली है डिफरेंट प्रिंट में मीशो से, वो मुझे पड़ी थी 600-700 समथिंग की आई थिंक मीशो से, और ये मुझे मिली है 250 रुपीज की सरोजनी से। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रिंट ओवरऑल जो इसकी मिंट कलर है ना, पेस्टल कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा समर के हिसाब से, आई फाइंड इट वेरी क्यूट। आजकल मैं ऐसी मिडी ड्रेसेस बहुत पहन रही हूँ, मतलब इस साल का जो मेरा समर ट्रेंड है ना, वो यही चल रहा है, मिडी ड्रेसेस। मैंने अमेजोन से पूरा हॉल बनाया था, जिसमें मैंने बहुत सारी मिडी ड्रेसेस ली थी, बिकॉज नी कवर हो जाती है, मुझे भी इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, मैं इसमें ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं मेट्रो, ऑटो रिक्शा बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो ऐसी ड्रेसेस पहन के ना मुझे कंफर्टेबल फील होता है, शॉर्ट नहीं होती, और ये प्रॉपर कॉटन की है, दिस लाइक अ खादी कॉटन स्टफ, पीछे यहाँ पे इलास्टिक है, तो प्रॉपर फिट भी आती है, चेस्ट से काफी अच्छी फिट आती है। स्ट्रैप इसकी एडजस्टेबल है, और आपने स्टार्टिंग में देख ही दिया होगा, मैं अभी भी इंसर्ट कर दूंगी। इसमें बहुत डिजाइन थे, वो सेम मीशो वाला डिजाइन मिल रहा था जो मैंने मीशो से लिया था, सो वो आप ले सकते हो। ये
ये भी फ्लैट 250 रुपीज की थी, नो बार्गेनिंग। एंड 250 में आई थिंक फॉर अ ड्रेस आई फाइंड इट नाइस वॉज माई सरोजनी हॉल। आई नो तुम सब डिसअपॉइंट हो गए हो गए, मैंने स्टोरी पे इसलिए पूछा था कि देखना है नहीं देखना, बिकॉज यार हम ऐसे ही चले गए थे। मैं पर्सनली अभी नहीं रिकमेंड करूंगी, वेदर रिपोर्ट देखकर जाना। भरी गर्मी में जो हमारा बुरा हाल हुआ था ना, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि अगर मुझे पानी ना मिलता ना तो मैं फेंट हो जाती। सो प्लीज मत जाना, और भीड़ भी काफी होती है। वीकेंड पे तो जाना ही नहीं चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड्स की वजह से जाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जॉब होती है मंडे टू फ्राइडे। अदरवाइज आई वुड से वीकडेज में जाओ, लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में मॉर्निंग या फिर इवनिंग में जाओ, जब धूप कम हो जाती है ना तब जाओ। बिकॉज अब तो देखो वो ठेले तो बचे नहीं, अब प्रॉपर शॉप्स हैं, शॉप्स में आपको लाइट्स भी अच्छी मिल जाती है, तो आप कपड़े भी अच्छे से देख सकते हो। जो बाहर के जितने भी ठेले थे उन्होंने सब हटा दिए, तो अच्छी खासी वाइड हो गई है रोड, इतना कोई धक्का मुक्की वाला सीन नहीं होता। बट गर्मी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मतलब काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था मैं पिकअप कर सकती थी, मुझे दिखी, लेकिन मेरे में एनर्जी नहीं थी बार्गेन करने की। वीडियो जो मैंने प्रोडक्ट्स की बात करी है, वैसे तो इनके लिंक्स तो मैं दे नहीं सकती, बट ये डॉक्टर शेट के प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।